नमस्कार, लेन देन न्यूज चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आप उत्कर्ष कालानी जी, एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस है, तो उत्कर्ष जी हम ये जानना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट स्टेट स्टोन का जो एक्सपोर्ट है, जीएसटी लगने के बाद में क्या इफेक्ट आप इस पर महसूस कर रहे हैं? नमस्ते। जैसा कि हमारा सैंडस्टोन का एक्सपोर्ट है मेनली, अराउंड 90% तो सैंडस्टोन ही है। सैंडस्टोन के एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगने से ओवरऑल मैं देखूँ इम्पैक्ट तो उसका फ़ायदा ही है, क्योंकि अब तक हमको जिन चीज़ों का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, अब वो और मिलना चालू हो गया, तो ज़रूर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी बड़ी है। जीएसटी का अमाउंट जो हमारे रॉ मटेरियल पे लग के आता है, वो हमको इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया है उसका, पर ओवरऑल बाकी जो इनपुट पहले नहीं मिला करता था, अब वो सारा इनपुट क्रेडिट मिल रहा है, तो ओवरऑल एडवांटेज दिख रहा है अभी जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से। तो जैसे मान लो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट के लिए तैयार करते हैं, तो इस दौरान जो आपको लगने वाले खर्चे हैं, क्या उनकी भी इनपुट क्रेडिट आपको जीएसटी में मिलती हुई नज़र आती है? हाँ जी, सारी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ों की इनपुट क्रेडिट, इंक्लूडिंग जो लेबर हम लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे अगर हम लोगों को उसका जीएसटी पेमेंट करना पड़ रहा है रिवर्स चार्ज में या जैसे भी, उसका भी हमको इनपुट मिल रहा है। जितना भी रॉ कंज्यूमेबल्स है स्टोर्स के अंदर, उन सब पे जितना जीएसटी लग के आ रहा है, उन सबका इनपुट मिल रहा है। रॉ मटेरियल पे जितना जीएसटी लग के आ रहा है, उसका इनपुट मिल रहा है। जो ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, उस पर हम रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करा रहे हैं, उसका भी इनपुट मिल रहा है। ओवरऑल हर चीज़ का कुल मिला के अब ऐसा टाइम आया है कि अब टैक्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, अब टैक्स का सारा इनपुट क्रेडिट मिल रहा है। तो पहले से ही एक्सपोर्ट बढ़ा है या उतना ही है, पहले क्या स्थिति है इन दिनों में? इतनी जल्दी कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। शुरू में ज़रूर कुछ दिन तक लोगों को समझ में नहीं आया था, सप्लायर्स को समझ में नहीं आ रहा था, तो एक्सपोर्ट में शुरू मतलब जुलाई में फर्स्ट वीक में मटेरियल आने में प्रॉब्लम थी, बट इतनी जल्दी इम्पैक्ट भी नहीं आता किसी चीज़ का। ओवरऑल मुझे लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ा है एक्सपोर्ट के टर्म्स में। मॉनिटरी वाइज थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा जीएसटी के आने से, तो इम्पैक्ट ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। सैंडस्टोन का कोटा से खास तौर से आपका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, किन किन देशों में अपना एक्सपोर्ट हो रहा है? मेनली हमारा एक्सपोर्ट यूके में होता है, यूएसए में होता है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में होता है, जापान में होता है। फॉरेन में इस सैंडस्टोन का क्या उपयोग है? फॉरेन में सैंडस्टोन जनरली गार्डन लैंडस्केपिंग में काम आता है, प्लस पेविंग में काम आता है, आउटडोर फ्लोरिंग में। मेनली सारा का सारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारा आउटडोर्स के लिए हो रहा है, तो लोग बाग जनरली गार्डन्स में, पैटियोज में, ड्राइववेज में, वॉलिंग्स वगैरह इस तरह से यूज़ करते हैं सैंडस्टोन को। सैंडस्टोन का क्या आज के ज़माने में पहले से जो डिफरेंस आया, मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट किया जा रहा है, पहले सिंपली एक कटिंग करके भेज दिया करते थे, तो क्या आप लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हैं? हाँ, सैंडस्टोन में वैल्यू एडिशन हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता है, बेसिक वैल्यू एडिशन है। स्टोन को सॉइंग करके सैंड ब्लास्ट, शॉर्ट ब्लास्ट, पॉलिश, ये सब फिनिशेज होती हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं। हम लोग और भी प्रोसेसेस करते हैं, सीएनसी के आर्टिकल्स वगैरह बनाते हैं सैंडस्टोन से, वो सब चीज़ें एक्सपोर्ट कम होती हैं, डोमेस्टिक सेल ज़्यादा होती है उनकी। धन्यवाद उत्कर्ष जी। थैंक यू।